करना पी भी है ठीक जी, काम किया। कहाँ से आ रहे हो? हम शादी से आ रहे हैं। शराब पी के? जी। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 20 साल। 20 साल कब से शराब पी रहे हो? जी मैंने आज ही पी है पहली दफा। फंक्शन जब होता है तभी पीते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। तो ऊपर से ये सर आ गए हैं, ये हमें इन्होंने स्मेल चेक की है, तो जोनसा ना ये कह रहे हैं कि थाने चले। जो भी अगर इन्होंने करना है ना, गश्त भी करना है, तो 4 मुलाजम की ड्यूटी है, 2 की नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इनकी अपनी जो बाइक है उनकी ना आगे भी नंबर प्लेट है ना पीछे भी नंबर प्लेट है। जिधर से पकड़ा है वो साथ ही चौक है, सीधे रास्ते जा सकते हैं। इसको गली के अंदर लाके खड़ा करने का मकसद ही कोई नहीं। वो ही तो माफी मांग। आप क्या करेंगे इनका? क्या थाने लेके जाएंगे इनके? ऐसे तो साहब बैठे हैं थाने में, तो उनके हैंड ओवर करेंगे, ये उनके फैसला करेंगे। ये छोटे बच्चे हैं तो इनके घर वालों को बुला के थोड़ी की इनकी घर से गएंगे कि ये देखें इनकी उम्र तो नहीं है। तो थाने जा रहे कि बाइक बंद हो गई है इसकी? बाइक बंद हो गई है इसकी? एक मिनट उधर पीछे, उधर एक मिनट उठो, उधर आपकी क्या डेजिग्नेशन? क्या है? मुहाफिज है? मुहाफिज हम। मुहाफिज है। नाम क्या है आपका? नेम प्लेट अपनी दिखाएं। वो अंदर लगी है। हाँ तो दिखाए ना जरा। अली रजा नाम मेरा। तो हटाए ना ऊपर से जैकेट का, जेब खोले। अभी निकाल के लगा दे, कोई बात नहीं। आप पूछे आपसे क्या सवाल पूछना है? आपसे इन्होंने किसी पैसों की डिमांड की है? 5,000 थे आपके पास? नहीं, पैसों की 5,000 थे। एक ना आंटी थी, ठीक है, हमारे छदरे से। अच्छा, आप उसके पास ठहरे हो डील के लिए? बोलूंगा वो उन्होंने खुद खिला रहा है हमें, ठीक है, और हमें खिला के उन्होंने। इधर आओ, इतनी दूर से आवाज नहीं आ रही। अगर वो बेकसूर है तो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं नहीं, उन्होंने हमें खिला रहा है, ठीक है। उन्होंने हमें पूछा है कि आप किधर जा रहे, ठीक है, हमने बोला हम घर जा रहे। उन्होंने उसके पास, वो सेक्स वर्कर है, ठीक है, जिसके पास ठहरे थे, सोनिया उसका नाम है, उसके पास आप ठहरे हो। हमें हर चीज़ की रिपोर्ट होती है, जाहिर है हम क्राइम रिपोर्टर हैं, हमें एक एक चीज़ की। उन्होंने खिला रहा है, ठीक है, उन्होंने पूछा जी काम करना है। उसके पास क्या करने गए? हम गए नहीं थे, डील करने नहीं गए। नहीं, हम वन वे जा रहे थे, हम छदरे से आ रहे हैं, ठीक है, कज़न के घर से। हम कहते थे आपको कॉल करवा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, हम ऐसे करके गुजरे। मर्द के पास तुम्हारा काम नहीं था, औरत के पास काम था? उन्होंने खुद खिला रहा है, उन्होंने हाथ दिया, हम खड़े हो गए। मैंने इसको बोला भी ये नहीं भाई, गाड़ी जाने देते हैं। इसने बोला एक मिनट, शायद कोई मसला हो, ठीक है, हमने खिला दी। उसने पूछा कि क्या इतने पैसे डील वगैरह वो कर रही थी हमारे साथ, कि क्या आपने काम करना? शराब पी भी है? ठीक जी, काम किया है। कहाँ से आ रहे हो? हम शादी से आ रहे हैं। शराब पी के? जी। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 20 साल। 20 साल कब से शराब पी रहे हो? जी मैंने आज ही पी है पहली दफ़ा। पहली दफ़ा जो पीता है ना उसको होश नहीं होता, इतना तो हमें भी प्रोग्राम कर करके। वो मैं आपसे वो ही कह रहा हूँ कि फंक्शन जब होता है तभी पीते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। तुम्हारा क्या लगता है? दोस्त है? ये मेरा कज़न है। अच्छा, चाचू का बेटा है। इधर आ गया जी, साइड पे। अच्छा, फिर तुमने भी हमदर्दाना तौर पर वहाँ ठहरे हो हमदर्दी के लिए? हाँ जी, खवातीन की हमदर्दी के लिए, सो कॉल्ड हमदर्द। जी जी। तो ऊपर से ये सर आ गए हैं, ये हमें इन्होंने स्मेल चेक की है, तो जोनसा ना ये कह रहे हैं कि थाने चले। तो यहाँ पे फिर क्यों? इस गली से नहीं, दाता दरबार का तो सर वहाँ से रास्ता, वो आगे चौक में बंद होता रास्ता, तो इसलिए ये गली सीधा दरबार को जाती है। दरबार ही और जो भी कोई भी करें, 4 मुलाजम पक्के होते हैं इधर। अच्छा, जो भी अगर इन्होंने करना है ना, गश्त भी करना है, तो 4 मुलाजम की ड्यूटी है, 2 की नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इनकी अपनी जो बाइक है उनकी ना आगे भी नंबर प्लेट है ना पीछे भी नंबर प्लेट है। अच्छा। और जिनको पकड़ा उसके भी कोई नहीं है। तो भाई हमने थाने ही ले गए, ठीक है। और जो आपका इशू है, जो इनका इशू है ना, मेन पॉइंट है इसका, ठीक है, जिधर से पकड़ा है वो साथ ही चौक है, सीधे रास्ते जा सकते थे। इसको गली के अंदर लाके खड़ा करने का मकसद ही कोई नहीं है। वैसे बढ़ा रहे हैं अभी गली के अंदर, गली के अंदर लेकर। वैसे पॉइंट तो है, बात को बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, ये मेरे कोऑर्डिनेटर हैं, मेरे इन्फॉर्मर हैं, ठीक है, मुझे सारी मालूमात इन्होंने। मैं एज ए फीमेल,
मैंने नहीं सारी मालूमात लेनी होती, ठीक है। मैं कोई आज से नहीं, मुझे 7 साल हो गए हैं ये क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले न्यूज़ एंकर थी, अब क्राइम रिपोर्टर, ठीक है। मुझे, मैं इनको भी देख के पहचान सकती हूँ कि वहाँ वाकई ये गए थे डील करने के लिए उस खातून से, शादी से आए शराब, ठीक है। चले ये तो उनका हो गया, थाने ले चले, ये इधर आई, इसने खुद ही रोकी है इधर, इसने कहा है कि मतलबा कोई इनके कोई ऐसे कोई पैसे का, सही सही बता, कुछ भी नहीं, कोई जेब वगैरह तलाशी वगैरह, तलाशी वगैरह ली है, ठीक है, पैसे सेल फोन लिए हैं और तलाशी ली है, पैसे वैसे थे ली, हम आपके पास पैसे, पैसे हैं, अभी तो अभी भी हैं, लेकिन हमने मिन्नत की है कि भाई पैसे तो अभी भी नहीं होगा, ठीक है, गलती की है, लेकिन हमने बोला के थाने लेके जा रहे हैं, पूछे कि कोई पैसों का मतलबा, ब्रेक लगाई है इधर, कोई ब्रेक नहीं भाई, हमारी बात सुनो, बात सुनो, अच्छा इन्होंने आपको कहा है कि पैसे वैसे, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही कहते भाई सॉरी, माजरत करते हैं, आज के बाद इधर नहीं आएंगे, इधर नहीं आएंगे, उनको इधर आने या तुम्हारे ना आने से कोई फर्क नहीं है, मकसद पकड़ने का ये है कि कम उम्र में तुम ड्रिंक कर रहे हो, तुम ड्रग्स एडिक्ट, सॉरी की है, वही तो सॉरी की है मैंने, वही तो माफी मांगी, आप क्या करेंगे इनका, क्या थाने लेके जाएंगे इनके, ऐसे तो सब बैठे हैं थाने में, तो उनके हैंडओवर करेंगे, ये उनके फैसला करेंगे, मैं मतलब जाहिर है हम लोगों ने इस कैमरे के थ्रू लोगों को, आवाम को पैगाम देना है, ठीक है, आज इनके साथ होगा, कल बाकियों के भी कान खड़े होंगे, ठीक है ना, ये छोटे बच्चे हैं तो इनके घर वालों को बुला के थोड़ी इनकी घर जगाएंगे, ये देखें इनकी उम्र तो नहीं है, ये हाँ, इनको एक रात रखना है, मेरा ख्याल है इनको 4 रातें रखे, ताकि इनको थोड़ी सी पनिशमेंट हो, FIR हो जाएगी ना, कल इनको पेश कराए, एक्सीडेंट हो सकता है, दिमाग नहीं सही सेट रहता शराब पी के, तो इनको इस वक्त मैं एक दाता दरबार एरिया में बड़ी ऐसी गली में, तंग गली में मौजूद हूँ, और हमारी रेकी के मुताबिक हमारे इन्फॉर्मर को ये पता चला कि इस गली में दो मुहाफिज जो हैं दो लड़कों को लेके गए हैं, लड़कों के पास 5,000 के 2 नोट थे, और जो कि जाहिर है हमें इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंगली हम आए हैं, मौके पर पहुँचे हैं, गाड़ी हमने वहाँ पार्क की, उसके बाद मुहाफिज के पास आई हूँ, और मैंने बाकायदा तौर पर उनसे भी ये जो सारा आपने लुबे लुबाब आपने कैमरे पर देखा, ये है वो न्यू जनरेशन जिनके वालिदैन की इन बच्चों से उम्मीदें वाबस्ते हैं, जो समझते हैं कि हम शायद बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहे हैं, माँ बाप की तरबियत में फ़र्क नहीं होता, औलाद जो है माँ बाप को कह के क्या कह के निकलती है, आगे से वो किस तरह है, लेकिन इन न्यू जनरेशन को सोचना चाहिए। मैं ये हतमी तौर पर कह सकती हूँ कि जिन बच्चों के, जो बच्चे शराबियाँ निकलते हैं, ड्रग्स एडिक्ट निकलते हैं, हमेशा उनके वालिदैन 5 वक्त के नमाजी होते हैं, लाजमी ये बात है, क्योंकि हमेशा सुलझे हुए माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती है। इन्होंने अपना काम किया, जो पंजाब पुलिस का था कि ये जी मुहाफिज हैं, ये पैसे लेते हैं, ये आवाम की जेबें लूटते हैं, आज हम लोगों ने बाकायदा तौर पर दिखाया है, और इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा जी हमसे कोई मुतालबा नहीं किया, ग्रेट है सर, हमारी कोशिश थी कि आपको भी बेनकाब करें, लेकिन अगर आपका कसूर होता तो मैं ज़रूर बेनकाब करती, इन लोगों की ये है कि आप इनको लेके जाएं, जो आपका काम है वो आप करें। नाज़रीन इस प्रोग्राम पर आप अपनी कीमती आगाह कीजिएगा, हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम में, किसी नई गली में, किसी नए केस के साथ। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, फी अमान अल्लाह।